आज मैं घोस्ट हंट एनिमे सीरीज के एपिसोड 4 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जुलाई डे 1 एपिसोड के स्टार्ट में माई अपने इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मैं फर्स्ट ईयर का स्कॉलर हूँ और ये है मेरा बॉस का जिया, और हम दोनों इतने बड़े से घर में आए एक काम करने। फिर वो दोनों वो घर में जाते हैं जहाँ पर दो औरत होते एक बच्ची होती है। तो एक लड़की बोलती है कि ये मेरा सिस्टर इन लॉ है और ये उनकी बेटी। मेरा बड़ा भाई अभी काम में गया है बाहर देश के बाहर। और तभी वो उसकी बेटी की मम्मी बोलती है कि हाँ, और जब से वो काम में गया है मुझे भी यहाँ कुछ मन नहीं लग रहा है, कुछ अनईजी फील हो रहा है। तभी काजुआ भी मन में सोचता है कि यही लड़की मेरे पास आया था। वो ये बोल रही थी कि इस घर में कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही है, जैसे दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल जा रहा है, किसी का चलने की आवाज़ आ रहा है ठक ठक ऐसे कुछ। तभी उस लड़की की बहन बोलती है कि वैसे तुम दोनों में से बॉस कौन है। तभी काजुआ सामने आकर बोलता है मैं बॉस हूँ, मैं मैनेजर हूँ। तभी वो लड़की बोलता अच्छा तुम मैनेजर हो, तो फिर क्या ये कोई भूत का काम है। तभी काजुआ बोलता है कि ये हमारा काम है बोलना कि ये भूत का काम है या नहीं, हम लोग इस बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे उसके बाद ही कंक्लूजन में आएंगे। और फिर काजुआ ले और माई वो सेटअप कर लेते हैं, एक बेस बनाते हैं, बाकी रूमों में कैमरा और माइक्रोफोन सेट कर लेता है जो कि वो हमेशा करता है। तभी माई ले की तरफ देखकर सोचने लेते हैं कि ये ले है काजुआ का असिस्टेंट, लेकिन इसे तो बात बात नहीं करता, सिर्फ काजुआ से थोड़ा बहुत बात करता है और किसी से नहीं, और बस काम में ध्यान देता है। तभी यहाँ पर आयको और होशियो भी आ जाते हैं, जिसे देखकर माई नानी माँ सोचते हैं कि ये दोनों हमारे ग्रुप का हिस्सा तो नहीं है लेकिन कभी भी किसी भी टाइम आ जाते हैं हमारी मदद करने। तभी आयको बोलते हैं मुझे तो क्लियरली देख रहा है ये एक अर्थ स्पीड का काम है। तभी माई बोलते नहीं ये एक इंसान का काम है। तभी आयको बोलते कैसे। तभी माई बोलते पहले मेरी बात सुनो, तो ज़्यादातर ऐसे जगह पे ऐसे काम होता है जिसमें नॉर्मली ज़्यादातर टाइम मतलब 50% टाइम सिर्फ इंसान ही कल्पेट होता है, यहाँ पर कोई घोस बोस नहीं है। और मुझे लगता है यहाँ पर कोई लड़की है जो अपनी सिस्टर इन लॉ से सही तरीके से घुल मिल नहीं पा रहे। तभी आयर को बोलती है कि तुम्हारे पास में दम तो है। तभी ये समय काजिया बोलता है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, नॉर्मली ये वही लोग करते जो बिलो 20 ईयर्स हो, लेकिन वो लड़की आफ्टर 20 ऐसा मतलब अभी 20 ईयर के ऊपर ही उसकी उम्र है और ज़्यादा चांस नहीं है कि वो लड़की ये किया होगा। और इस बारे में आज रात को कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, देखते क्या होता है। ये सुन के माई मनी मन सोचती कमाल, ये तुम्हें अभी बोलना था, मैं कितना अच्छी किया, कितना कूल लग रही थी। और तभी माई जैसे ही रूम के बाहर आती है वो देखती है जा रही होती है उस छोटी लड़की को खाना खिलाने, वो बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। तभी माई बोलता है क्यों नहीं, तुम्हारी बेटी कितना ज़्यादा क्यूट है। तभी माई बोलती है कि तुम्हारी वो बहन जो है वो कुछ खास मतलब कंफर्टेबल नहीं लग रही है। तभी वो लड़की बोलती है कि अरे वो मेरे भाई का दूसरे बीबी है इसी वजह से, वैसे भी चलो। और वो लोग जैसे रूम में जाते जहाँ पर हमें आयामी को दिखाया जाती है जो कि लड़की होती है, और वो लड़की टोल के साथ होती है और किताब पढ़ रही होती है। तभी माई बोलती है ये लो हम लोग तुम्हारे लिए खाना लाए, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहोगे। तभी आयामी उस टोल को लेकर माई के हाथ के साथ हैंडशेक कराता है उस टोल का। और तभी माई बोलती है कि हाय मेरा नाम माई। तभी आयामी बोलती है मेरा नाम मिनी है। तभी आयामी स्माइल करती है। तभी माई बोलती है चलो इस साथ हम खाना खाते हैं। और तभी अचानक से आयमी को शौक लगता है, आयमी बोलती है कि तुम लोग अभी के लिए चले जाओ। और ये सुन के माई शौक हो जाती। फिर रात के टाइम काजिया फिर से वो हिप्नोसिस टेक्निक यूज करके सब लोगों को बोलता है कि आज रात को एक वास यहाँ पर रखा होगा, उस वास को मूव कर देना। और ये मतलब पूरा ओवरऑल ये बोलती है माई कि इसका मतलब अगर कोई इंसान कल्पिट हो तो फिर वो ज़रूर आज रात को मूव करेगा वो वास कुछ भी करके। तो फिर काजिया बोलते फिर खेल ख़त्म हो गया, अब आप सभी लोग जा सकते, कुछ भी कर सकते, आपका जो मर्जी है, बस मुझे इस रूम का चाबी देकर जाइएगा। और वो चाबी ले लेता और वास को साइड में सर्कल कर देता है। और माई तभी मनी मन सोचती है कि आज रात को ये वास मूव हुआ तो कल्प्रिट कोई इंसान है, अगर मूव नहीं हुआ तो कोई इंसान नहीं है वो। फिर रात को सीन जाता है जहाँ पर रात को 9 बजे आप लोग बोल सकते कुछ भी मूव नहीं कर रहा होता है। और तभी उसकी बहन आकर बोलती है तुम लोग जल्दी से यहाँ पर आओ। और वो लोग तभी सभी लोग जाते हैं एक साथ और वहाँ पर देखते कि आयमी माँ बिल्डिंग में बैठी रहती है अपने डॉल के साथ और उसका रूम पूरा बिखरा हुआ गिरा हुआ रहता है। और ये देखे वो लड़की बोलते हैं तो क्या हुआ, तुम लोग तो यहाँ पर आए थे सब ठीक करने। माँ बोलती ये कैसे हो गया यार। और तभी आकर बोलते क्या तुम एकदम श्योर हो कि वो बच्ची कुछ नहीं कर रही है। तभी ले वो जो किसी का वेट देख रहा होता है वो बोलता है कि एक बच्ची ये कभी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि मैं खुद भी ये नहीं कर सकता, अगर कोई कर सकता है तो मैं उससे मिलना ज़रूर चाहूँगा। और तभी आयमी की मम दूसरे रूम से चिल्लाते हैं जहाँ पर सभी लोग फिर दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पर उस रूम में सब कुछ उल्टा हुआ गिरा रहता है, यहाँ कर भी यहाँ तक कि पर्दे भी सब कुछ उल्टा हो गया हो रहता है। ये देख कर सभी लोग शौक होते हैं, आयमी बोलती है कि ये ज़रूर कोई स्पिरिट का काम है। तभी आयमी बोलती है कि आयमी ने कुछ नहीं किया। तभी मैं बोलती चिंता मत करो तुम। फिर आयमी बोलती है कि मैं कल सुबह तक इस फ्रिज का गेम बजा दूँगी।
तभी होशु देखता है काजमा को सो जाता है। होशु बोलता है काजमा तुम क्या सोच रहे हो। कभी काजमा बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये रिस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा ही क्विक नहीं था। मतलब रिस्पॉन्स तो होना वैसे ही था, लेकिन मुझे जितना पता है वो लोग रिस्पॉन्स घोष वोश सा कुछ रहे, तो वो लोग चाहते हैं कि अपना रिस्पॉन्स जितना हो सके उतना कम और छुपाने की कोशिश करते। नहीं, यहाँ पर तो उल्टा हो गया। यहाँ पर तो मानो हम लोग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मानो वो खुद पुश कर रहा है। तभी काजू बोलते हैं तुम्हें भी ऐसा लगता है ना हर्ष हो। तभी हर्ष बोलते हैं हाँ, ऐसा लगता है कि इस घर को पता चल गया कि हमें और वो हमें निकालना चाहता है। तभी काजू बोलते हैं और ये काम आसानी से नहीं होने वाला है, इस काम में हमें भी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। फिर आयमी के लेकर उसकी बहन चली जाती है, मतलब उसकी मम्मी की बहन, क्योंकि आयमी की रूम पूरी तरीके से तहस नहस हो गया होता है। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सीन जाता है जहाँ पर वो वेस्ट वैसा का वैसा ही रहता है, उसको कोई टच नहीं करता ना ही कोई तोड़ता है। लेकिन कल रात जो रूम में ये सब तहस नहस हुआ, वो तो रूम, काजिया बोलता है कि उस तो रूम में कोई नहीं जाएगा, उस तो रूम में वो देखेगा, रिसर्च करेगा अपना रूम। फिर आया को अपना एक्सोरिज्म करना स्टार्ट करती है और एक्सोरिज्म कर भी लेती है आराम से। सभी लोग देख रहे होते हैं और बोलती है कि यहाँ पर सब भूत भूत भाग गया है, कुछ नहीं है यहाँ पे, मैंने काम ख़त्म कर दिया। फिर उसी दिन रात को माए सभी की रूम का टेम्परेचर का लिस्ट काजुया को दिखाती है, जहाँ पर वो खुद ही बोलती है कि आयमे का रूम का टेम्परेचर थोड़ा कम है। तब काजुया और देखती है कि हाँ सभी रूम जैसा कि नॉर्मल है वैसा ही है, ना ही इसके रूम के नीचे कोई टनल है या वैसा कंस्ट्रक्शन का काम या वैसा कुछ, क्योंकि ओल्ड स्कूल में हुआ तो वैसा कुछ नहीं है। और मैंने ये भी सुना है जहाँ पर स्पीड होता है वहाँ पर रूम का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। तो फिर तभी मैं बोलती है तो फिर क्या सच में यहाँ पर कोई स्पीड है। तभी काजुया बोलता है कि इसका चांसेस अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तभी कोई चिल्लाता है और देखता है कि किचन में आग लग गया होता है। तभी होशु आग बुझाया था और ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और आयमी की मम्मी की बहन वहाँ पर होती है, बोलती है कि आग अचानक से लग गया ऑटोमेटिकली जब मैं यहाँ पर आई, मैंने तो आग का स्विच ऑन भी नहीं किया था। और तभी माई देखती है कि खिड़की से, किचन की खिड़की से एक लड़का उसे देख रहा है। एक लड़का या लड़की वो हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन एक परछाई दिखाया जाता है एक बच्चे का, जिससे कि माई बोलती वहाँ पर कोई है, वहाँ पर कोई बच्चा है। तभी काशी वहाँ जाता है और देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तो मैं बोलने लगे मैंने अभी वहाँ पर एक किसी बच्चे का परछाई देखा। उसके बाद रात के सोने के टाइम में हमें आयमी को दिखाया जाती है जो कि उस डॉल से बात कर रही होती है और वो सभी लोग देख रहे होते हैं। तभी उसकी शायद से उसकी माँ आकर बोलती है कि आयमी तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम किचन में क्या कर रही थी। तभी आयमी बोलती मैं किचन में कुछ नहीं कर रही थी, मैं किचन में गई ही नहीं। तभी उसकी माँ बोलती है लेकिन माँ तो वहाँ पर तुम्हें देखी थी, वहाँ पर एक बच्ची को देखी थी और यहाँ पर बच्ची सब तुम ही हो। तभी आयमी बोलती है लेकिन वो मैं नहीं थी, मैं नहीं थी। और जब वो चिल्लाती है तभी पूरा रूम शेक करता है और एक फर्नीचर उसकी मॉम के सर के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन सभी लोग मिलकर रेस्क्यू कर लेते, बचा लेते हैं। और इससे आयमी भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। डे 3 हाशु आया को बोलता है कि देखा आया को तुम्हारा काम फिर से कम नहीं आया। तभी आया को बोलती है कि शायद मुझसे कुछ नहीं होता और ये बुको चली जाती है। और तभी मैं मनी मन सोच रही होती है कि ये सब क्या चल क्या रहा है। अच्छी बात है कि उसकी मॉम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तभी हर्षो बोलता है लेकिन जैसे ही आयमी चिल्लाई तभी ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगता है आयमी की कल्प्रिट है। क्या बोलते हो काजुया? तभी काजुया बोलता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है कि आयमी ही कल्प्रिट है। तभी हर्षो बोलता है वैसे तुमने जो एक्सपेक्ट किया था मुझे लगा था उससे ये तो प्रूव हो ही जाएगा कोई ह्यूमन कल्प्रिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुम 100% बोल रहे हो कि आयमी कल्प्रिट है, क्या इसका कोई चांसेस है कि तुम गलत हो सकते हो? तभी काजुया बोलता नहीं, मैं 100% श्योर हूँ कि आयमी ही कल्प्रिट है। और तभी ले बोलता है कि आयमी के रूम के टेम्परेचर कम हो रहा है। तभी काजुया बोलता है उसका रूम का स्पीकर ऑन करो। तभी सभी लोग देखते हैं कि रूम के अंदर कोई नहीं है, लेकिन काजुया ये देखता है कि रूम का टेम्परेचर कितना ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। काजुया बोलता है कि इतना ज़्यादा कम रूम का टेम्परेचर में कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा और कोई इंसान कर भी नहीं सकता। तभी माँ बोलते तो फिर ये क्या? तभी काजुया बोलता है कि ये कोई आयमी का काम तो नहीं हो सकता, सिर्फ आयमी का कोई इंसान ये नहीं कर सकता। तो फिर गाइस यहाँ मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया था कि बहन भाई किसका है, मतलब असल में आयमी बेटी किसकी है। तो आयमी असल में इस लड़के की बेटी है, अपनी नहीं, उसकी डैड ने इसे रिमैरिड किया है, तो फिर वो इसकी पिछली वाइफ का बेटी होगी। और ये जो लड़की है ये उसकी सिस्टर है, डैड की सिस्टर। अब यहाँ पर मेरा यह कंक्लूजन खत्म होता है, मुझे यह बहुत कुछ पता चल गया। अब तक यह मैं कन्फ्यूजन था कि यह भाई बहन किसका हो रहा है, तो इसका तो पता चल गया यार, मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो बैक टू द स्टोरी, माई और उसकी सीसी एक साथ आयमी के साथ होती है, जहाँ पर आयमी बस अपनी डॉल के साथ ही खेल रही होती है। तो उसकी सीसी बोलती है कि आयमी पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थी, वो काफ़ी चेयरफुल थी, लेकिन वो ऐसे हो गई है जब से इस घर में आई है। और तभी उसकी न्यू मामा आकर उसे कुकीज़ देती है, जो कि आयमी को देती है। आयमी को बोलती है कि तुम्हें खाना नहीं है कुकीज़? तभी आयमी बोलती है हाँ मुझे खाना है। तभी उसकी मामा बोलती है कि तुम्हें खा लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बुक चली जाती है गुस्से से। तभी
उसकी शिष्य शिष्या का बोलती है कि अगर तुम्हें कुकीज़ नहीं खाना तो मैं खा लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तभी वो जैसे कुकीज़ खाने वाली होती है तभी आमी कुकीज़ उसके हाथ से धक्का देकर गिरा देती है और बोलती है कि कुकीज़ मत खाइए ये पॉइजन है, और बोलती है कि ये कुकीज़ मत खाइए ये पॉइजन है। ये सुन के सभी लोग शौक हो जाते हैं और आमी बोलती है कि ये मैंने इस डॉल ने बोला है मुझे कि ये खाने में पॉइजन मिला के वो हमें मारना चाहती है और वो एक विच है जो मेरे डैड को भी काबू कर लिए है। अब ये सब देख के माँ शौक हो जाती है, माँ मनी मन सोचती है कि क्या इस डॉल ने बोला। और फिर माई जैसे नींद से जागती है, वो देखती है कि नारू वहाँ पर होती है और तभी नारू बोलता है कि आर्मी से डेंजर में है। तभी माई बोलती है कि वो कैसे क्या हो रहा है, क्या नारू क्या हो रहा है। और तभी जैसे ही माई अपनी असली आत्मा आँख खोलती है, वो देखती है कि ये सब असल में सपना था। और वो मनी मन सोचते हैं दिख रहा देखो मैं फिर से नारू के बारे में सपना देखने लगी, लेकिन अभी इस टाइप का टाइम नहीं है, मुझे जाकर नारू को बोलना पड़ेगा कि उस डॉल ने ये सब किया। तो फिर वो जाकर नारू को जल्दी जाकर ये सब बोल देता है, मतलब काजुया को। तो ये सुनकर काजुया बोलता है अच्छा तो ये बात है। तो काजुया उसके सीसी से उसका वो डॉल लेता है और बोलता है कि अच्छा ये डॉल कब खरीदे थे। फिर सीसी बोलती है कि ये डॉल उसके डैड ने खरीदा था इस घर में आने से पहले। तभी काजुया बोलता है कि सब कुछ कब से हो रहा है, इस डॉल खरीदने से पहले ये खरीदने के बाद। सीसी बोलती है मुझे लगता है खरीदने के बाद। तभी गाँव पर आयमी भी आ जाती है और तभी आयमी बोलती है कि आयमी को उसका डॉल वापस दो। तभी काजुया उसका डॉल वापस नहीं देता। काजुया बोलता है कि आयमी मुझे पता है तुम इस डॉल से बातें कर सकती हो। तभी आयमी काजुया से उसका डॉल छीन के वापस ले चली जाती है। फिर रात को सोने के आयमी सो जाती है उसके डॉल के साथ। तभी उसके रूम के अंदर आकर माई और उसकी सीसी वो डॉल लेके एक दूसरे रूम में रखते जैसे काजुया ने बोला होता है। फिर काजुया माई होशुओ और ले सभी लोग सीसीटीवी कैमरे की मदद से उस डॉल को देख रहे होते हैं और होशु बता रहा होता है कि कोई भी स्पीड ऐसे टाइप के डॉल को आसानी से प्रोसेस कर पाते क्योंकि वो एंटी सोल होते हैं, वहाँ पर कोई आत्मा होता तो नहीं होता, तो अच्छा जो वो लोग को काफ़ी आसानी होता है प्रोसेस करने में, तो ऐसा हो सकता है। तभी जैसे ही गोलो स्क्रीन की तरफ देखते वो डॉल अचानक से बैठी हुई थी वो अचानक से लेट गई और फिर धीरे धीरे मूव करने लगता है और काजुया टाइम सीरियस होकर देख रहा होता है, सभी लोग देख रहा होता है। और डॉल अचानक से मूव करते जाते रुक जाता है और उसका सिर खुल के बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे के सामने आकर गिर जाता है सिर्फ उसका सिर। काफ़ी डराना सीन होता है और उसे देख के माँ चिल्लाती है लेकिन काजुया डरता नहीं है, हर्षू भी वहाँ पर होता है, सब लोग दिख रहा होता है। और इधर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। यार तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट है यार। उम्मीद है यार आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। यार अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलेगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और हाँ जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तेलन बाय सी।